नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन मेरे चैनल रोहित कटारिया पे। बहुत ही खूबसूरत लेक्चर मैं आज सभी आपके लिए लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, गले को किस तरीके से लचीला बनाया जाए, किस तरीके से हम फ्लेक्सिबल बना सके गले को। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर हमारे गले में फ्लेक्सिबिलिटी, जो हरकतें होती हैं, मुर्गियाँ होती हैं, वो कैसे लाएं। परंतु जो बेस होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो उसी बेस की मैं आज बात करने आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग हमारा बेस होगा उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी इमारत होगी। तो बेस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, तो वो बेस का नाम है इस खूबसूरत अलंकार का वर्णन जो कि आज मैं करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, गला तैयार करने का जबरदस्त अलंकार। सबसे पहले मैं आपसे ये पूरा अलंकार शेयर कर रहा हूँ, इसको वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर पाए, और उसके बाद फिर मैं आपको अलंकार सिखाऊंगा। तो आई होप दोस्तों आपने ये नोट कर लिया होगा या फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबसे पहले मैं आपको इस अलंकार का पैटर्न बता दूं। इस अलंकार को मैंने 5 खंड में डिवाइड किया, जिस खंड का ऑर्डर है 3-4-3-3-3, अर्थात हर एक खंड डिवाइडेड है, मतलब हर एक खंड में। अच्छा, खंड की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझिए। जैसे एक पहले खंड मेरा 3 का है, 3 मात्रा का है, तो सा रे गा सा। इसके बाद वाला मैं खंड गाऊंगा, उसके पहले स्वर पे मेरे को थोड़ा जोर देना है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। सा रे गा सा ग रे सा सा रे गा ग रे सा सा रे गा ग रे सा सा रे गा ग रे सा रे गा म रे म ग रे म ग रे रे गा म म ग रे गा म प ग प म ग प म ग ग म प प म ग। समझ आ रहा है आपको? तो 1 2 3 1 3 2 1 3 2 1 1 2 3 3 2 1 2 3 4 2 4 3 2 4 3 2 2 3 4 4 3 2 and so on। ये मेरा पैटर्न है, इस पैटर्न को हमको समझना है और फिर हमें गाना है। अब देखिए, मैं पहले एक बार बेसिक आपको अलंकार ये गा के बताता हूँ, उसके बाद फिर हम ताल में भी देखेंगे, और इस अलंकार से आपका ताल का भी रियाज होगा, आपको किस तरीके से स्वरों को तालबद्ध होके गाना है आपको वो भी समझ आएगा। तो सबसे पहले अलंकार देखते हैं। ये मेरा बेसिक अलंकार है। अब इसको हम ताल के साथ देखेंगे। पहले हम दोगुन में गाएंगे, उसके बाद स्पीड डबल करके चौगुन में गाएंगे, और फिर इसको आकार में देखेंगे। ये हमारा एक पूरा स्टेप वाइज प्रोसीजर रहेगा, इसी में हमको रियाज करना है, और फिर आपको डेफिनेटली इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, रे गा सा ग रे सा ग रे सा सा रे गा ग रे सा रे गा म रे म ग रे म ग रे रे गा म म ग रे गा म प ग प म ग प म ग गा म प प म ग म प ध म ध प म ध प म म प ध ध प म प ध नि प नि ध प नि ध प प ध नि नि ध प ध नि सा सा नि ध सा नि ध नि सा सा नि ध प ध नि
पनी धपनी धप पधनी नि धप म प ध म धप म धप म म प ध तप म ग म प ग प म ग प म ग ग म प प म ग रे ग म रे म ग रे म ग रे रे ग म म ग रे सा रे ग सा ग रे सा ग रे सा सा रे ग ग रे सा सा। ये मेरा हुआ दोगुन में रियाज। आइए अब स्पीड डबल करते हैं। ये आपको स्पीड डबल तभी करनी जब आपका स्वरों पे अच्छा पकड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो पहले बिना ताल के हमको सिर्फ पैटर्न समझना, उसके बाद फिर ताल के साथ करना और फिर उसी पैटर्न को और डबल करके चौवन में रियाज करना है। देखिए सारे का झग रे झग रे सारे का गे सारे का मा रे मा गे रे मा गे रे रे का मा मा गे रे का मा मा गे पा मा गे पा मा गे गा मा पा मा गा मा बा मा गा मा बा मा मा बा मा बा दा नी बा नी दा बा नी दा बा दा नी दा बा दा नी दा दा नी दा नी दा नी दा नी 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 गा मा पा ग पा मा ग पा मा ग गा मा पा पा मा रे गा मा रे मा ग रे मा ग रे रे गा मा मा ग रे सा रे गा झ ग रे झ ग रे सा सा रे गा ग रे सा सा। ये हो गया मेरा स्वरों में चौगुन में रियाज, मतलब एक मात्रा में चार स्वर। आप इसी को अगर आकार में करें तो हमारी गमक का तो रियाज हो गई, पर हमारे गले में जो एक लचीलापन आना चाहिए उसका बहुत अच्छा बेस तैयार होगा। अगर हम इसको डेली एटलीस्ट 21 डेज तक आधा घंटा हम देते हैं तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। देखिए क्लियर हुआ। तो इसी प्रोसीजर से अगर हम रियाज करेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एक बार वापस देख सारे का झग रे झग रे सा सारे का गे रे सा रे गा मा रे मा गे रे मा गे रे गा मा मा गे रे गा मा बा गा मा मा गा मा मा गा मा बा गा मा गा मा बा मा दा मा दा मा बा मा बा दा दा बा पा दा नी पा नी दा पा नी दा पा पा दा नी नी दा पा दा नी दा दा नी दा दा नी दा दा नी दा दा नी नी सा रे नी रे सा नी रे सा नी नी दा रे नी सा नी सा रे का झग रे झग रे सा सारे का गे रे सारे का झग रे झग रे सा सारे का गे रे सा नी रे नी रे सा नी रे सा नी नी दा रे नी सा नी दा नी सा दा सा नी दा सा नी दा दा नी दा सा नी पा दा नी पा नी दा पा नी दा पा पा दा नी नी दा पा पा दा मा दा पा मा दा पा मा मा बा दा दा मा गा मा बा गा मा गा मा गा गा मा पा पा मा रे गा मा रे मा गा रे मा गा रे रे गा मा मा गा रे सा रे गा सा गा रे सा गा रे सा सा रे गा गा को समझ आया होगा। और खूब रियाज कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपका कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ये रियाज करने के बाद। और आपकी जो रिक्वेस्ट है मुझे मेल कीजिएगा मेरे को, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे रखा है, आप ज्वाइन कीजिए। आपको सारे क्लास के नोट्स अवेलेबल होंगे, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपकी संगीतमय सेवा में ऐसे ही उपस्थित रहूंगा। ओम शांति।